हेलो दोस्तों, आपके सामने जो ये इंजन दिख रहा है ना, ये इंजन है 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन को पेट्रोल इंजन ही बोलते हैं। और आप जो ये मैकेनिज्म देख रहे हाँ हैं, इसमें भाई, पहले हम जो चेचिस लिए हैं, मेनली कार में यूज होते हैं। जो आपको जितने भी इस पेट्रोल इंजन्स होते हैं, जो ये स्मूथली रोड पे चलते हैं, उसको मेनली हम लोग उसमें पेट्रोल यूज करते हैं। और जो डीजल इंजन होते हैं, वो मेनली ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, इसलिए हम लोग उसमें इस इंजन को यूज नहीं करते। उसमें हम लोग करते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जो पेट्रोल इंजन होते हैं, उसमें हम लोग मेनली यूज करते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि इसका मैकेनिज्म हमने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं। लेकिन ये जो आप चीज देख रहे हैं, इंजन देख रहे हैं, ये मेनली बेस्ड है 4 स्ट्रोक इंजन पे। 4 स्ट्रोक इंजन का प्रिंसिपल वही 5 स्टेज में होता है: इनटेक, कंप्रेशन, कंबसन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। उसमें पिस्टन्स होते हैं, इनलेट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, स्पार्क इग्निशन होता है, जो आप इस फिगर में देख रहे होंगे। उसके थोड़ा हम लोग एक कैम लॉक, कैम शाफ्ट के थ्रू एक आउटपुट मिलता है। आप इस फिगर में दोस्तों देख रहे हैं कि ये शाफ्ट है ना, जो टूथ गियर है। टूथ गियर बोलते हैं, एक गियर दूसरे गियर से अटैच होता है, जो स्मूथली रिवॉल्व होता है और उसके द्वारा शाफ्ट अटैच होता है। और जैसे ही शाफ्ट अटैच होता है, तो हमारा उससे सिलेंडर में पिस्टन्स होते हैं और बहुत सारे गियर से अटैच होते हैं, और पिस्टन के वर्किंग के अकॉर्डिंग सारे गियर एक दूसरे से अटैच होकर घूमते हैं। उससे शाफ्ट जुड़ा होता है, और शाफ्ट के थ्रू, कैम लूप के थ्रू हम इसको वर्क आउटपुट लेते हैं। वर्क इन द सेंस कि इससे हम फैन लगाते हैं और बेल्ट पुल्ली के थ्रू इसको हम रिवॉल्व करवा के मोशन क्रिएट करते हैं। और गियर के थ्रू जो आप देखते हैं, हम लोग की बात करते हैं कि 4 स्ट्रोक जो कार्स वगैरह में मेनली होते हैं, कि हम लोग गियर वन एक एक नंबर देखते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो देखते हैं, वो सारे गियर्स के फंक्शन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट गियर को मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसमें जो जितने भी हैवी व्हीकल्स पार्टिसिपेट होते हैं, उसमें हम उसमें वर्क को मूव करवाते हैं। देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ देख रहे हैं कि आप इस ठीक है फिगर में ठीक आप है देख रहे हैं कि ठीक कैसे मेरा पिस्टन के थ्रू जो कनेक्टिंग रड जुड़ा हुआ है, और कैम शाफ्ट नीचे ऊपर हो रहा है, और उसके थ्रू शाफ्ट मूव हो रहा है, और हम लोग कैम लोब के थ्रू वर्क आउटपुट ले रहे हैं। जो बेल्ट पुल्ली के थ्रू हमारा यह मैकेनिज्म अटैच्ड है, और इससे हम वर्किंग आउटपुट लेते हैं एंड अपने कार को इस मैकेनिज्म के बिहा पे इंप्लीमेंट करवाते हैं। देखो दोस्तों, आप इस फिगर को आप जो देख रहे हो, उसमें आपको दो बेल्ट कनेक्ट मिल रहे हैं। एक बेल्ट एक दूसरे के एक्सिस के थ्रू कनेक्ट है। उसमें आप देख रहे हो एक बड़ा सा फैन लगा हुआ है, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। वो एक जो है ना, जो पिस्टन से जो वर्किंग हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो शाफ्ट है, उससे वो फैन अटैच्ड है। और दूसरा जो पुल्ली आप जो बेल्ट देख रहे हैं, वो हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर से अटैच्ड है। इलेक्ट्रिकल मोटर भी एक शाफ्ट को मूव करवा रहा है, एंड दूसरा जो शाफ्ट हमारा जो पिस्टन के थ्रू अटैच्ड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। इंटरकनेक्ट होने की वजह से दोनों बेल्ट एक दूसरे से मूव कर रहे हैं। आप देख रहे हो, आप इस फिगर में देख रहे हो कि देखो कैसे पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जा रहा है, और दोनों बॉल हमारे मूव हो रहे हैं। इट मींस कि जब इंटेक वॉल्व ओपन होता है, तो एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज होता है, और जब एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज हो रहा है, तो इंटेक वॉल्व ओपन हो रहा है। ये हमारे 4 स्ट्रोक इंजन के मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 4 स्ट्रोक एक स्पार्क इग्निशन इंजन है, तो स्पार्किंग भी होता है। हम लोग इसमें स्पार्क करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंबसन होता है। तो इसमें आप देख रहे हो, आप सामने दिख रहा है कि इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व कैसे कार्य कर रहा है, एंड देन शाफ्ट कैसे इस फिगर में मूव कर रहा है, शाफ्ट के अकॉर्डिंग ही। और दोस्तों देखो, आपको फिगर में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 4 सिलेंडर इंजन है ना, इसमें हम लोग 4 सिलेंडर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर के अकॉर्डिंग हम उस शाफ्ट को दूसरे वाले शाफ्ट को मूव करवा रहे हैं। एक शाफ्ट तो हमारा पिस्टन के अकॉर्डिंग हो रहा है, एंड देखिए दोस्तों, अब इस फिगर में आप देख सकते हो, सामने क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपको 3 पिस्टन है ना, 4 पिस्टन इंजन है, आपको 3 अभी सामने क्लियरली दिखाई दे रहा है, कैसे ऊपर नीचे। इट मीन्स टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर जा रहे हैं, एंड बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर जा रहे हैं। और उसके थोड़ा हमारा शाफ्ट है, और शाफ्ट पिस्टन जैसे ही बॉटम डेड सेंटर पे आता है, देन हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है एंड इनटेक वाल्व क्लोज हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म चलते रहता है। जब मेरा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, तो इनलेट वाल्व क्लोज होगा, जब इनलेट वाल्व क्लोज होगा, तो मेरा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा।
और सारे जो इलेक्ट्रिक मोटर्स जो शाफ्ट के थ्रू अटैच हैं, जो पिस्टन के थ्रू अटैच है एक दूसरे से, गियर्स टूथ गियर से अटैच होते हैं और एक दूसरे को इंटरकनेक्ट होकर रिवॉल्व करवाते रहते हैं। देन उसके द्वारा फैन एंड बेल्ट फुल्ली अटैच्ड होते हैं और उसके थ्रू हम लोग वर्क को इम्प्लीमेंट लेते हैं। जैसे ही उसके थोड़ा स्ट्रोक क्रिएट होता है, जैसे स्ट्रोक क्रिएट गाड़ी होगा देन पावर इम्प्लीमेंट करके हमको मेरे गाड़ी को पुश करेगा। जो पुश करते हैं इसी वे में हमारा आगे की ओर पीछे से एक पुश अप फोर्स बोल सकते हैं, जो धक्का मिलता है उससे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो फुल्ली मैकेनिज्म हम इसी बिहा पे देखते हैं और हम अपने इम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग इस मैकेनिज्म को इसके अकॉर्डिंग शो करते हैं।